नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केंट होम्योपैथिक मिटेरी अमेरिका का ऑडिबल सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है साथियों, कैल्केरिया आर्स। कैल्केरिया आर्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है साथियों, कि दो बहुत मुख्य दवाएं जो होम्योपैथी की हैं, कैल्केरिया और आर्सेनिक एल्बम, दोनों को मिला करके मतलब एक तरह का यौगिक कंपाउंड की तरह बनाया गया दवा है कैल्केरिया आर्स, जिसका कि बहुत मतलब कहे कि डीप एक्टिंग रेमेडी है। इसके बहुत लाजवाब क्षेत्र हैं अपने अपने। तो आज हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर केंट ने अपने मेट्री अमेरिका और लेक्चर में कैल्केरिया आर्स के बारे में क्या बातें बतलाई हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये रिक्वेस्ट है, ताकि आपके पास जो भी आने वाले इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। जैसे कि कोई भी मेडिसिन हुआ, पूरा का पूरा केंट मेट्री अमेरिका जो ऑडिबल ग्रुप में अवेलेबल है इस चैनल पर, साथ में आपको उसके अलग अलग चैप्टर्स उसमें दिए हुए हैं, आपको इंग्लिश में सबटाइटल मिल जाता है, उसी के साथ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं वो डिस्प्ले पे मिलते हैं। तो ये सारी चीज आपको एक्सेस हो इजीली, और आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, और उसी के साथ साथ अपने उन सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कर लें जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी इस कंटेंट का फायदा पहुंच सके। उसी के साथ अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर करें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट साथियों। हमारा आज का टॉपिक है कैल्केरिया आर्स। तो डॉक्टर केंट अपने मेटेरी अमेरिका में कैल्केरिया आर्स के बारे में कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि खूब परिचित दो दवाओं के रासायनिक सम्मिलन से बनी होने के कारण यह तुरंत ही ध्यान में आ जाएगा कि यह बहुत दिनों तक काम करने वाली और बहुत सी पुरानी बीमारियों के लिए उपयोगी दवा है, जैसा मैंने बताया। उसके बाद कहते हैं, वास्तव में यह इतनी गहराई तक काम करती है कि मिर्गी के जटिल से जटिल रोग आरोग्य कर देती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो एपिलेप्सी होता है, उस तरह के एपिलेप्सी में भी कैल्केरिया आर्सेनिकोसा या कैल्केरिया आर्स जो भी हम इसे कहें, इसका बहुत अच्छा योगदान है। इस श्रेणी के रोगी के लिए तो इसने अपना इतिहास छोड़ रखा है, मतलब इस तरह के रोगी के लिए एपिलेप्सी के मामले में कैल्केरिया आर्स का एक अच्छा खासा हिस्ट्री है इसके ठीक करने का। तो कहते हैं कि अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दुर्बलता, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को बतला रहे हैं कि अत्यधिक मानसिक और शारीरिक दुर्बलता, कंपनशील और पक्षाघातिक दुर्बलता, मतलब कि एक तरह का पक्षाघात कहते हैं पैरालिसिस को, तो पैरालिटिक समझे कि एक तरह का वीकनेस, मतलब इतना ज्यादा वीकनेस कि लगे जैसे पैरालिसिस मार गया हो। शरीर इतना हल्का मालूम होता है मानो हवा में तैर रहा है, मतलब शरीर का वजन फील ही नहीं कर पा रहा है। बेहोशी के दौरे, मिर्गी की अकड़न, यानी कि एक जो रिगर हो जाता है शरीर में एपिलेप्सी में, उस तरह का अकड़न जिसमें हृदपिंड प्रदेश में सुरसुरी मालूम होती है, मतलब हार्ट रीजन में एक अजीब सा गुदगुदी जैसा जो है फील होता है, और बहुत स्पष्ट कमजोरी, क्लियर वीकनेस रहता है एकदम। हृदपिंड प्रदेश में अकड़न होने के पहले दर्द और डूबते जाने का भाव, मतलब आपके हार्ट में एक अकड़न, एक ऐठन सा, एक अटैक जैसे कहते हैं, उस तरह का महसूस होता है, लगता है जैसे कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, डूब रहे हैं। जैसे कि पानी में डूबने में क्या होता है कि आप सांस नहीं ले पा, आपको सांस नहीं मिल रहा होता है, आप डूबते हैं, तो उसी तरीका से एक फीलिंग कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और डूबने जैसा महसूस होने लगता है। कमजोरी, सिर में चक्कर या क्षण भर के लिए आंखें अंधी हो जाना, यानी कि आंख के सामने अंधेरा छा जाना। हृदपिंड के कपाट की बीमारी के साथ आकरण, यानी कि फ्रंटल हेडेक के साथ जो है हार्ट में एक क्रैम्प जैसा पेन फील होना। शाम को और रात में साधारणतः रोग वृद्धि होती है, इवनिंग शाम को और रात में एग्रावेशन आपको देखने को मिलता है कैल्केरिया आर्स के पेशेंट में। उसके बाद कहते हैं, रोगी को सर्दी सहन नहीं होती, जीवन प्रद गर्मी का अभाव, यानी कि जीवन प्रद गर्मी कहने से मतलब वाइटल फोर्स जो आपको एक तरह से कहें आपके आत्मा में जो है कमजोरी आ गई, आप काफी अंदर से वीक हैं, इस तरह का वीकनेस, मतलब बहुत डीप वीकनेस आप देख रहे हैं कैल्केरिया आर्स में। फिर कहते हैं, खुली हवा की इच्छा न होना, खुला हवा पसंद नहीं है। सर्वांगिक शारीरिक चिंता, सर्वांगिक मतलब संपूर्ण पूरे शरीर की चिंता, बहुत से लक्षण सीढ़ी चढ़ने पर आ जाते हैं, अपस्टेयर्स चढ़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, सीढ़ी चढ़ने पर बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। इनमें आर्सेनिक की तरह बहुत तरह का जलन का दर्द है, मतलब आर्सेनिक में जलन का दर्द आप देखते हैं, तो कैल्केरिया आर्स से तो दोनों के सिम्टम बहुत हद तक लेंगे ही, तो इसमें आर्सेनिक की तरह बहुत ज्यादा जलन का जो है दर्द है। आरंभिक अवस्था में इसने बहुत से अंडलालीय मूत्र, यानी एल्बुमिनेरिया जिसको आप समझते हैं, तो आरंभिक अवस्था में इसने बहुत से एल्बुमिनेरिया को आरोग्य कर दिया है। हृदपांडु रोग या क्लोरोसिस हम कहते हैं इसको, क्लोरोसिस की यह एक लाभदायक दवा है। शोथ यानी स्वेलिंग तो इसका एक सुदृढ़ स्वरूप है, जैसा कि आर्सेनिकम और कैल्केरिया दोनों में ही है, हम स्वेलिंग आप दोनों में देखते हैं, तो ये दोनों से ही मिलकर बना हुआ दवा है, तो शोथ को और बेहतर रूप से मतलब और ज्यादा इसका जो है एरिया जो है एक तरह से कहें स्वेलिंग में, कि ये सिम्टम इसका जो है बढ़ जाता है।
थोड़ा भी परिश्रम करने पर बीमारी बदतर हो जाती है, बेहोशी, कलेजा धकरना, मतलब एकदम पेल्पिटेशन, एकदम धकर धकर कलेजा लगता है, श्वास कष्ट और कमजोरी पैदा हो जाती है, शरीर के बाएं अंग पर रोग का आक्रमण अधिक होता है। कल कह यार थोड़ा सा लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, क्योंकि इसके सिम्टम जो है इसके पेशेंट में लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, अब किसी तरह का प्रॉब्लम हो लेफ्ट ज्यादा इफेक्ट होगा। उसके बाद लिखते हैं आगे लिखे मानसिक लक्षण अक्सर इसके प्रायोगिक परिचायक होते हैं। अब इसमें जो बता रहे हैं कि आगे जो सिम्टम बताने वाले हैं मेंटल सिम्टम्स, तो वो बहुत ज्यादा क्लिनिकल एप्लीकेशन के तौर पे होते हैं, मतलब क्लिनिकली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि क्रोध और विरक्ति के कारण अनेक बीमारियां, क्रोध गुस्सा आप समझ रहे हैं, और विरक्ति मतलब किसी चीज से हट सा जाना, उचट सा जाना, एकदम मन जैसे उचट गया हो किसी चीज से, मन वहां से हट गया हो बिल्कुल, वो चीज बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा हो देखने का या कुछ भी करने का, तो विरक्ति सा एक जो होता है, तो उसके कारण मतलब क्रोध और विरक्ति के कारण अनेक बीमारियां हो जाना, शाम के वक्त, रात में पलंग पर, जाड़े के समय यानी सर्दी ठंडा के समय, और जागने पर घबराहट महसूस होती है, यानी कि शाम के वक्त भी घबराहट, रात में पलंग पर जाते पर घबराहट, ठंडे के मौसम में घबराहट ज्यादा महसूस होगा, या फिर जागने पर घबराहट ज्यादा महसूस होगा। शंका पूर्णता मतलब कि बहुत ज्यादा जो डाउट उसको उसके अंदर रहता है, बहुत ज्यादा डाउट में रहता है, शंका हर चीज में, डाउट हर चीज में, भविष्य के संबंध में, मुक्ति के संबंध में, और रात में, मतलब इन सारे चीजों में सबसे ज्यादा। उसके बाद कहते हैं आलोचना करने की इच्छा, किसी चीज के बारे में, किसी के बारे में बुरा भला कहने का इच्छा, किसी के साथ में रहने की इच्छा, जागने पर चित्त विभ्रम, यानी जब सो करके उठते हैं तो अजीब सा एक लगता है जैसे कि कहाँ है, मतलब एक खाम ख्याल सा, जैसे सपने से बाहर निकल गए, चित्त विभ्रम सा हो जाता है। मन लगाने की शक्ति का न रहना, मति विभ्रम, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, मति विभ्रम। मृत पुरुष अजगर तथा मूर्तियां देखता है, मतलब मरा हुआ आदमी या अजगर सांप या अजीब अजीब मूर्तियां देखता है। भ्रम भरी चीजों की धारणा, भ्रम यानी कि आप समझ रहे हैं, तो भ्रम भरी चीजों की धारणा, आग के दृश्य देखता है, रात में बदतर हो जाता है तथा आंखें बंद करने पर वैसा ही देखता है। आरोग्य तथा मुक्ति से निराश, उसको नहीं महसूस होता कि वो ठीक होगा, वो पेशेंट आकर के आपको कहेगा कि हमको नहीं लगता है कि हम ठीक होंगे। असंतुष्ट, उत्तेजनशील, रात में मृत्यु का भय, एकांत का भय या उन्माद हो जाने का भय, यानी कि एकांत मतलब अकेलेपन से उसको डर लगता है, मरने से डर लगता है, रात में खास करके रात में मृत्यु का भय होता है, और बहुत ज्यादा उत्तेजनशील रहता है मतलब, और उसके साथ साथ उसको उन्माद का भी डर लगता है कि मतलब वो थोड़ा सा कहते हैं मेनियक ना हो जाए, इसके लिए भी उसको डर लगते रहता है कि उसके अंदर कहीं मेनिया तो नहीं आ रहा है। आनंद से उदासीन हो जाता है, खुशी से जो है थोड़ा सा मतलब कुछ खुश करने वाला बात उसके सामने हो तो उसके बाद उल्टा सैड हो जाता है, और एक मेनिया उन्माद उसके अंदर रहता है। अस्थिर मति, अस्थिर मति कहने का मतलब उसका सोच जो है, उसका जो डिसीजन है वो एक जगह पे नहीं है, तुरंत इधर तुरंत उधर, तुरंत इस बारे में सोचेगा, तुरंत उस बारे में सोचेगा, तुरंत उसको लगेगा ये चीज करना सही है, फिर कहेगा नहीं ये चीज करना गलत है, तो अस्थिर मति, चिड़चिड़ापन, अब अस्थिर मति रहेगा, कंफ्यूजिंग माइंड रहेगा तो चिड़चिड़ापन रहेगा ही। परितापकारी, अपने जीवन से घृणा, उबा हुआ मतलब खुद से ही नफरत है उसको। याददाश्त की कमी, बुराई करने वाली, मतलब बुराई करना होता आलोचक है ही। जिद्दी, स्पर्श असहिष्णु, सहज में ही चिढ़ उठता है, मतलब टच वगैरह पर अच्छा नहीं लगता है, कोई छूछा ज्यादा करे तो तुरंत में चिढ़ उठेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अत्यधिक बेचैन, रेस्टलेसनेस, इसमें एकदम समझिए कि कैल्केरिया ये सॉरी आर्स के तरह एकदम भयंकर रेस्टलेसनेस भी है, खासकर रात में, बिछावन पर छटपटाता है, गर्मी के समय और ऋतु काल के समय, शाम के वक्त और ज्वर काल के में बहुत उदासी, ज्वर साथियों बुखार को कहते हैं, तो शाम के वक्त यानी कि इवनिंग टाइम में, या फिर जब बुखार लगा हो उस समय बहुत उदास सा रहता है, सैड सैड सा रहता है, सहज में चौंक उठता है, डरपोकपन, रात में रोता है, मतलब डरपोक टाइप का रहता है और रात में रोता है, सिर में चक्कर और सर्वांगिक अकड़न के साथ माथे में रक्त बहुत तेजी से दौड़ जाता है, यानी कि ब्लड कंजेशन, ब्लड फ्लो जो है सर में बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसने पुराना सिरदर्द उत्पन्न और आरोग्य किया है, मतलब इसने पुराना सिरदर्द, हेडेक जो है, जो किसी तरीके से दवा दे करके बैठा दिया गया था उसको पेन किलर्स वगैरह के सहारे, तो उसको खड़ा भी किया है, उसको निकाला भी और उसको खत्म भी किया है। इसके सिरदर्द का एक बहुत ही विचित्र स्वरूप यह है कि यह लेटने वाले पार्श्व पर हटकर चला जाता है, जिससे पार्श्व पर रोगी सोया नहीं रहता है, उधर चला जाता है, और अवस्थित बदलने के साथ ही साथ
स्थान बदलता जाता है, यानी कि जिस तरफ रोगी सोता है उस तरफ ही दर्द होने लगता है, और इसके वजह से वो जो एक तरफ सोया नहीं रहेगा, वो अपना करवट बार 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 बदलते रहेगा, क्योंकि जिधर वो करवट लेकर के रहेगा उधर ही उसको दर्द होने लगता है। तो ये एक बहुत विचित्र कहते हैं कि एक तरह का सिम्टम है, और ये कैल्केरिया आस में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद कहते हैं इसके सभी सिरदर्द ऐसा नहीं करते हैं, इसमें बहुत से विचित्र छोटे छोटे लक्षण हैं। मानसिक परिश्रम करते रहने के समय तो सिरदर्द घट जाता है, अच्छा मानसिक परिश्रम करने के समय सिरदर्द घट जाता है, पर उसके बाद बहुत बढ़ जाता है। मतलब जब मानसिक परिश्रम कर रहे हैं तब सिरदर्द नहीं है, जब माथा बिजी है दिमाग कहीं लगा रखे हैं उस समय प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब खत्म हो जाएगा काम तो बाद में फिर सिरदर्द जो है परेशान करेगा। चेहरे का सोथ फेशियल स्वेलिंग, पलकों का यानी कि आपके आईलिड्स का, कनपटी का और कानों का, शिरोचर्म तथा मुखमंडल का अकौता, यानी कि पूरा फेस में आपको जो है स्वेलिंग देखने को मिलता है, उसी के साथ अकौता, सिर का ठंडापन, पीला रोगियल चित्ती चित्ती चेहरा, मतलब एक अर्टिकेरिया टाइप का चित्ती चित्ती जो कहते हैं, रोगियल पीलापन लिए हुए पेल टाइप का जो फेस का जो है अपियरेंस रहता है, नाक से पतली सर्दी का बहुत ज्यादा स्राव, पतली सर्दी नाक से, छींक, भोजन से एकदम अनिच्छा पर ठंडे पानी की प्यास, भोजन के बाद डकार और वमन, सहज में ही पेट गड़बड़ा जाता है, खासकर दूध और ठंडा भोजन करने पर, ठंडा पानी पीने के बाद पकासे में दर्द, भोजन के बाद पकासे में भार मालूम होना, शराब पीने के बाद वंछन प्रदेश में दर्द, पकासे और मुंह में खट्टा पानी भर आना, पकासे में उथल पुथल और जलन, डंक मारने और चबाने की तरह दर्द, तलपेट तथा पकासे का तन जाना, इसने पकासे के जख्म आरोग किए हैं, मूत्रपिंड प्रदेश में बहुत यंत्रणा, यानी कि आपके यूरिनरी सिम्टम्स और कहें कि जेनाइटल ऑर्गन्स पे चर्चा कर रहे हैं कि मूत्रपिंड प्रदेश में बहुत यंत्रणा। मूत्रपिंड यानी कि आपके पेनिस वगैरह समझ लीजिए, जिससे भी आपका यूरिन पास होता है, तो उस एरिया में बहुत ज्यादा यंत्रणा माने दर्द, थोड़ा जलता हुआ पेशाब, पेशाब में जलन, और वो माइल्ड, मतलब ये शब्द एक एक याद रखने योग्य है कि थोड़ा जलता हुआ, बहुत ज्यादा अगर जलन है तो कैंथ्रिस वगैरह है, बेलाडोना है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसका कि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि थोड़ा जलता हुआ पेशाब, माइल्ड इसमें जो है आपको बर्निंग सेंसेशन यूरिनेशन में देखने को मिल रहा है उसमें, तो उसके साथ इसमें अंडलाल और तलछट रहता है, और एल्बुमिनेरिया तो आपको बोला ही है, शुक्र रज्जू यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड्स में परिश्रम और शराब पीने के बाद दर्द होना, स्पर्मेटिक कॉर्ड में यानी कि आपके समझिए ना कि उस एरिया में ही परिश्रम करने के बाद या किसी तरह का शराब पीने के बाद हो सके कहिए कि आप उसको किसी भी तरह का मेहनत करने के बाद दर्द होता है। उसके बाद कहते हैं खाल उधेड़ देने वाला पीला श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया, खाल उधेड़ देने वाला इस तरह का ल्यूकोरिया डिस्चार्ज होता है, और वो व्हाइट कि समझिए कि वो एकदम खाल उधेड़ देता है, वहां का स्किन पूरा निकाल देता है, एसिडिक टाइप का होता है, बदबूदार खून मिला श्वेत प्रदर का स्राव यानी कि ब्लड मिला हुआ रहेगा ल्यूकोरिया के डिस्चार्ज में, उसके साथ फूल ओडर, बदबूदार, बदबूदार श्वेत प्रदर के लिए काली आर्स और काली फॉस से इसकी तुलना कीजिए, यानी कि काली आर्स और काली फॉस में भी आपको फूल ओडर ल्यूकोरिया का देखने को मिलता है, तो उसे कंपेयर करने के लिए कहा जाता है कि अगर आप इसका कंडीशन का इलाज कर रहे हैं तो उस दौरान आप उसे भी यानी काली आर्स और काली फॉस से भी इसका तुलना जरूर कीजिए। यह जरायु के कर्कट रोग के लिए उपयोगी है जब उसमें जलन तथा कटु बदबूदार खून मिला स्राव होता है, यानी कि अगर किसी तरह का कैंसर हो रहा है आपको जरायु का, तो उस कंडीशन के लिए भी आपको ये दवा बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है, कब, जब उसमें जलन और बहुत ज्यादा बदबूदार कटु बदबूदार खून मिला शराब होता है। यह मासिक आर्त को लक्षण मिलने पर जारी कर देता है, आर्त श्राव बहुत ज्यादा बहुत थोड़ा, रजा श्राव बहुत जल्दी जल्दी और अवरुद्ध, रजा श्राव का समय आने पर दर्द, अति रजह यानी कि आपको बहुत ज्यादा जो है मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होना, जरायु तथा योनि में जलन का दर्द। अब उसके बाद आते हैं साथियों स्वर यंत्र के बारे में, वोकल कॉर्ड्स और बाकी चीजों पर बात कर रहे हैं, तो कहते हैं स्वर यंत्र से पीछे की ओर मानो सूत से खींचा जा रहा है, स्वर यंत्र से पीछे की ओर, मानो सूत से मतलब कि स्वर यंत्र से पीछे की तरफ जो है कुछ खींच रहा है, कुछ सूत से खींचा जा रहा है, मतलब कुछ बांध करके खींच रहा है धागे वगैरह से। स्वर यंत्र में सूखापन, मिर्गी की अकड़न के पहले आवाज बैठ जाती है, रात में बिछावन पर कलेजा धकड़ना और श्वास रोध, जैसा कि बताया है कि रात में प्रॉब्लम बढ़ती है, और पेल्पिटेशंस का प्रॉब्लम जो है रात में बहुत ज्यादा, इवनिंग में बहुत ज्यादा, खास करके पलंग पर लेटते ही ये प्रॉब्लम बढ़ती है। मिर्गी की आक्रमण होने के पहले वक्षण में जलन की तरह गर्मी, मिर्गी का आक्रमण होने के पहले सीना में वक्ष में जलन की तरह गर्मी तथा हृदपिंड प्रदेश में दर्द, हार्ट रीजन में जो है पेन आपको होता है, हृदपिंड प्रदेश में खून का दौरा, रक्त वाहिनियों में टपक,
एक पूरा जब समझिए ब्लड वेसल जो है उसमें एकदम टपक एक फील होता है, टप टप मारना एक जो कहते हैं, खासकर माथा और पीठ की रक्त वाहिनियों में, सर में और बैक में, उसकी वजह से उसे पलंग से उतर जाना पड़ता है। धड़कन के साथ कलेजे में दर्द, हृत शूल यानी एंजिना पेक्टोरिस जिसको आप जानते हैं, बहुत भयंकर दर्द होता है एंजिना पेक्टोरिस का, तो कहते हैं हृत पिंड में पकड़ रखने की दर्द, इस तरह का दर्द जैसे कुछ पकड़ रखा है, चेहरा गर्म हो जाने के साथ धड़कना, यानी चेहरा गर्म रहता है और उसके साथ धड़कन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, थोड़ी भी उत्तेजना या परिश्रम होने पर कलेजे में धकड़न होना, थोड़ा सा भी मतलब फिजिकल थोड़ा सा भी अगर काम हो गया किसी तरह का, या मेंटली किसी तरह का एक्साइटमेंट हो गया तो पेल्पिटेशन उसका बढ़ जाएगा। शाम को और रात को बदतर हो जाता है, इवनिंग और नाइट का एग्रेवेशन है ही, नाड़ी का प्रत्येक चौथा स्पंदन लोप हो जाता है। ये एक खास सिम्टम है कि जब आप ये देखेंगे, जब आप पल्स देखेंगे तो पल्स का हर फोर्थ बीट जो होता है वो आपको एब्सेंट मिलेगा, मतलब कि टक 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 करके अगर तीन हम गिने तो 1 2 3 4 5 ये चलना चाहिए रिदम में, लेकिन ये चौथा गायब होगा, आपको चौथा में थोड़ा सा टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आएगा सेम टाइम पे, तो ये आप एक बहुत कहे कि स्पेसिफिक सिम्टम हो जाता है। उसके बाद कहते हैं नारी की गति तीव्र रहती है, मतलब कि नारी जो है पल्स रेट जो है फास्ट भी रहता है और हर हर फोर्थ बीट जो है वो गायब रहता है। उसके बाद कंठास्थि और त्रिकास्थि के बीच प्रचंड सिर दर्द, पीठ का दर्द बाहुओं तक फैल जाता है, वंछन का दर्द फैलता है, हाथ पैरों का शोथ, निम्न प्रत्यंगों की कमजोरी, ये दर्द के बारे में बतला रहे हैं। उसके बाद कहते हैं सपने और नींद के बारे में, ड्रीम एंड स्लीप, तो भयंकर सपनों के कारण नींद उखड़ी रहती है, मतलब इतना ज्यादा भयंकर हॉरिबल सपने देखता है, ड्रीम्स देखता है कि एकदम नींद गड़बड़ा जाता है, उसका कलेजा धकड़ना और श्वास रुद्ध हो जाता है, रात के अंतिम भाग में जागता है, पसीना आता है। उसके बाद कहते हैं यदि आर्सेनिक और कैल्केरिया पर ध्यान रखकर इस आश्चर्यजनक दवा का अध्ययन किया जाएगा तो इसका और भी विस्तृत विवरण प्राप्त होगा, इसके विभिन्न क्रमों में और भी परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि और डॉक्टर केंट ने इस बात को माना है कि कैल्केरिया और आर्स ये दोनों बहुत समझिए कि दोनों पोलिक्रेस्ट रेमेडी है, अब दोनों इतनी बड़ी बड़ी मेडिसिन है तो दोनों के मिलने से बना हुआ मेडिसिन उसमें क्या क्या अभी कितना ज्यादा शोध का जरूरत है उस मेडिसिन को, दिख रहे कि इतनी जानकारी तो है और ये भी काफी और ये भी लाजवाब है, लेकिन इसमें और ज्यादा रिसर्च हो सकता है, इसके और सारे सिम्टम्स बाहर निकल के आएंगे और इसका काम जो है और ज्यादा चीजों पर हो सकता है, तो ये डॉक्टर केंट का कहना था और ये सारी जानकारी थी जो डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका में और लेक्चर में कैल्केरिया आर्स के बारे में बतलाई है साथियों। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें साथियों, अगर कमेंट करने जैसा कुछ लगे तो प्लीज कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। उसी के साथ अगर ज्यादा मुझसे कुछ बात करने की इच्छा हो, किसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन करने की इच्छा हो, तो आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके कमेंट का बहुत जल्दी रिप्लाई करूंगा और थोरोली आपसे बात कर पाऊंगा, उसके बाद आपको टाइम दे पाऊंगा। और इसी के साथ साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से जल्दी सभी लोग सब्सक्राइब करें और उन सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें जो भी होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि केंट मेटेरिया मेडिका वो भी चैप्टर वाइज और उसमें भी एक एक पॉइंट कि हाँ इस सिम्टम के बारे में कब बात हुआ है, इस तरह के मतलब हेड के सिम्टम पे कब बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल सिम्टम पे कब बात कर रहे हैं, स्टूल लेनेस पे कब बात कर रहे हैं, जेनाइटल ऑर्गन पे कब बात कर रहे हैं, तो इससे ये होता है ना कि आप अगर किसी मेडिसिन के किसी एक भाग को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आपको पूरा मेडिसिन ना पढ़ने की जरूरत है ना सुनने की जरूरत है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पूरा का पूरा मेडिसिन एक्सप्लेन किया हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन आप जिस स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहे हैं उसको खोजने के लिए आपको पता नहीं कितने सारे वीडियोज देखने होंगे या कितना सारा चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो उसको इजी करने के लिए मैंने आपको टाइम दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाता है, आप उसमें देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक के बारे में आपको इस मेडिसिन के बारे में जानना है, और पूरी जानकारी है जो भी डॉक्टर केंट ने बताई है मैं सारा ही आपके साथ पढ़ रहा हूं, तो फिर आपको सारा ही जानकारी मिलता है, तो इसलिए जानकारी को शेयर कीजिए उन सभी साथियों के साथ जिनको ये कंटेंट जो है फायदा पहुंचा सकता है, और अगर आपने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको भी आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिल सके और कोई जानकारी आपसे छूटे ना। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।